को जो कपड़ा पहनना पहनिए, किस्सा खत्म। मुख्यमंत्री जनसभा में एक बात बोलते और फिर मीडिया को आके आधे घंटे में कहते हैं कि नहीं अभी हम विचार कर रहे हैं, सोच रहे हैं। जनसभा में एक बात बोलते कि जिसको जो खाना है खाइए, जो पहनना है पहनिए, और फिर फौरन एक आधे घंटे के बाद बोलते हैं नहीं अभी तो हम फैसला नहीं लिए। हिजाब पहनकर भी लड़कियां पढ़ना चाह रही है, उनका तालीम मुतासर हो रही है, उनकी शिक्षा मुतासर हो रही है, और क्यों उनको आप रोक रहे हैं हायर एजुकेशन में तालीम हासिल करने से? 7 महीने हुए हैं इनको, सिर्फ एक गवर्नमेंट का ऑर्डर निकालना है, वो ऑर्डर निकालने से डर रहे हैं, कांप रहे हैं। अरे भाई आप ऑर्डर वापिस ले लीजिए और ये ऑर्डर निकालिए कि भाई आप जिसको जो कपड़ा पहनना पहनिए, किस्सा खत्म, बर्खास्त। कोई ड्रेस कोड नहीं होगा, इतना ही निकालना है ऑर्डर इनको, ड्रेस कोड नहीं होगा, आप वो भी नहीं निकालना चाह रहे। और मुख्यमंत्री जनसभा में एक बात बोलते और फिर मीडिया को आके आधे घंटे में कहते हैं कि नहीं अभी हम विचार कर रहे हैं, सोच रहे हैं। तो ये तो कर्नाटका के उन मुसलमानों को, उन मुस्लिम ऑर्गेनाइजेशन को सोचना पड़ेगा जो बड़ा जोरों शोर से प्रचार किए थे कांग्रेस के लिए वहां पर, सिद्धरामैया के लिए। अब वो लोग खामोश क्यों हैं? जो लोग हमको गुस्सा करते थे, हम पर तनखीद करते थे, अब वो बोले ना भाई आपने इनके लिए प्रचार किया, इनको आपने सत्ता दी, तो इनको चाहिए। इनका मुख्यमंत्री एक मामूली सा ऑर्डर निकालने से पसोपेश कर रहा है, घबराहट महसूस कर रहा है, कंफ्यूज हो जा रहा है। जनसभा में एक बात बोलते कि जिसको जो खाना है खाइए, जो पहनना है पहनिए, और फिर फौरन एक आधे घंटे के बाद बोलते हैं नहीं अभी तो हम फैसला नहीं लिए। तो हम कर्नाटका के कांग्रेस सरकार से, सिद्धरामैया मुख्यमंत्री जी से ये डिमांड करते हैं कि आप फौरन अपनी सरकार से एक ऑर्डर निकालिए जिसमें ये जो हिजाब पर पाबंदी है उसको खत्म करिए। भाई हिजाब पहनकर भी लड़कियां पढ़ना चाह रही हैं, उनका तालीम मुतासर हो रही है, उनकी शिक्षा मुतासर हो रही है, और क्यों उनको आप रोक रहे हैं हायर एजुकेशन में तालीम हासिल करने से?